आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। झारखंड न्यूज। साहिबगंज जिला के तालझारी प्रखंड क्षेत्र के महाराजपुर स्थित गंगा घाट में भाजपा पर्यटन प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक बजरंगी महतो ने गंगा घाट कटाव का निरीक्षण किया। गंगा घाट निरीक्षण के दौरान देखा गया कि गंगा नदी जो अत्यधिक मात्रा में गंगा घाट कर गंगा नदी में समा रही है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह का गंगा कटाव रहा तो कुछ दिनों में हमारे घर भी गंगा नदी में समा सकते हैं। अतः राज्य सरकार व जिला प्रशासन से आग्रह है कि हमारे महाराजपुर स्थित गंगा कटाव को अविलंब रोका जाए और आने वाले समय में हम ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। मौके पर उदयसा सुदाम मंडल, गुड्डू गुप्ता, चंदन कुमार, सोनू खान इत्यादि दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। तालझारी से मित्र मंडल की रिपोर्ट। से यह प्रशासन को सूचित करना चाह रहा हूं कि यहां महाराजपुर बाजार जहां नजदीक में स्टेशन महाराजपुर है, घाट समिति का मैंने आने जाने का साधन यहीं से नौका चलती है और यहां कटाव बहुत जोरों से गंगा नदी का हो रहा है। ये कटाव लगभग एक सप्ताह में 100 मीटर करीब करीब कट चुका है। इसलिए प्रशासन को यह सूचित करना चाहता हूं पत्रकार महोदय के माध्यम से कि इस पर उचित सरकारी कार्रवाई करते हुए इस कटाव को रोकने का प्रयास किया जाए। यहाँ कभी भी कटाव बचाव कार्य किया गया है? नहीं, यहाँ पे कभी भी कटाव का कोई बचाव कार्य नहीं चला है सरकार का। बगल में मैंने सैकड़ों घरों का आबादी है, हाँ, और पंचायत भवन भी है। यहाँ पे संचार साधन का ये BSNL आपका एयरटेल टावर भी है, बगल में स्टेशन है, जगशाला बगल में है, हाट बाजार समिति का भवन भी है। इसलिए पत्रकार जी के माध्यम से यह सरकार को सूचित करना चाह रहा हूं कि इस पर उचित सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाए, कटाव के रोकथाम के लिए जरूरी काम करवाया जाए। ठीक है।